हेलो एंड वेलकम टुवर्ड्स दिस फ्राइडे। मुंबई शहर फिल्मों की नगरी, तरह तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में, बुरी फिल्में, ठीक ठाक फिल्में, बड़े बजट की डिजास्टर फिल्में, छोटे बजट की कमाल फिल्में, फाइव स्टार रेटिंग वाली रद्दी फिल्में, खाली सिनेमा हॉल में चलती शानदार फिल्में, फिल्मों में विडम्बनों पर बनी फिल्में, कुल मिलाकर ख्वाबों का कारोबार है ये फिल्म। और इन ख्वाबों के निर्माता हैं फिल्म मेकर्स, और उसके बाद आती है उन फिल्म को रेट करने वाले क्रिटिक्स की। इन सब को मिलाकर बनता है मुंबई का सिनेमा यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स में एंट्री होती है एक साइको किलर की। मामला दिलचस्प है, हमें भी लगा। ये सेटअप है सनी देओल, दुलकर सलमान, सैयद अंतरी, पूजा भट्ट और आल बर्के की चुप, जिसका पूरा नाम है चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। कहानी है मुंबई में घूम रहे एक सीरियल किलर की, जो फिल्म क्रिटिक्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है, और उनके माथे पर उतना ही स्टार गुद रहा है जितना उन्होंने अपने लास्ट मूवी के रिव्यू में दिए थे, और उसी स्टाइल में जिस स्टाइल की शब्दावली उन्होंने अपने रिव्यू में इस्तेमाल की थी। जैसे एक आलोचक ने लिख दिया कि फिल्म का फर्स्ट हाफ सही ट्रैक पर है लेकिन सेकंड हाफ बिखरा हुआ है, तो उसके शरीर का आधा हिस्सा रेलवे ट्रैक पर और बाकी आधा हिस्सा 36 टुकड़ों में बिखरा हुआ मिलेगा। क्रिटिक्स पैनिक में है, इतना कि रिव्यू का कारोबार ही ठप पड़ गया है। क्राइम ब्रांच हेड अरविंद माथुर, सनी देओल के माथे जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द कातिल का पता लगाए, और उनकी इस कड़ी में उनको साथ देती हैं उनकी फ्रेंड क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, जो सीरियल किलर तक पहुंचने में उनकी हेल्प करती है। क्या अरविंद माथुर इस कातिल तक पहुंच पाएगा? अगर हाँ तो ये सीरियल किलर कितनी क्रूरता से इतनी हत्या क्यों कर रहा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। चुप का सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी परफॉर्मेंस, खासतौर से दुलकर सलमान की। एक डिस्टर्ब नौजवान डैनी के रोल में उन्होंने बता दिया है कि वो नई पीढ़ी के आने वाले उन अदाकाराओं में से हैं जिनके पारी लंबी चलने वाली है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है, क्यूट डैनी से डेविल डैनी का ट्रांसफॉर्मेशन वो इतने एक्सपर्टली करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। तमाम फिल्मों में लाइमलाइट और क्लाइमेक्स के सारे मोमेंट्स उन्होंने ही कब्जा रखे हैं। इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दुलकर सलमान इन बॉलीवुड। सनी देओल काफ़ी अर्से बाद पर्दे पर लौट रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने कोई ब्रेक लिया हो। वो अपने रोल में जचे हैं और रचे भी हैं। सैयद धनवंतरी को कम स्क्रीन स्पेस मिला है, लेकिन उनका होना महसूस होता है। एक फ्रेश एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है जिसे सिनेमा से बेहद प्यार है। श्रेया ने अपना काम प्यारे ढंग से निभाया है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट चनेवलिया के रोल में पूजा भट्ट कन्विंसिंग है और ओकेजनली फनी भी। फिल्म में एक और डिपार्टमेंट में अच्छा स्कोर कर जाती है। डायलॉग्स, संवाद, चुटकुले और प्रभावशाली हैं। कई हास्य पैदा करने वाले सक्षम हैं, तो कई जगह हार्श रियलिटी पर टिप्पणी करते हैं। जैसे एक संवाद है, ये इंडिया है, यहाँ करेंसी नहीं सेट्टी चलता है। कुछ डायलॉग फिल्म के नरेशन को बढ़िया ढंग से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे एक डायलॉग है, अच्छे फिल्म एक्सपीरियंस के लिए मोबाइल फ़ोन्स और क्रिटिक्स दोनों साइलेंट होने चाहिए। आइडिया के लेवल पर चुप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट फिल्म है। ऊपर से गुरुदत्त का टच इसे और आकर्षक बनाता है। गुरुदत्त की फिल्मों के गानों को का प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन ढंग से किया गया है। आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट महसूस करते हैं। अमित द्विवेदी की संगीत हमेशा की तरह उम्दा है, और विशाल सिन्हा की सिनेमेटोग्राफी सुंदर मुंबई को उनके अलग कैमरे के ढंग ने कैप्चर किया है। कुछ एक फ्रेम्स तो अद्भुत हैं। निगेटिव्स की बात करें तो जितना आप ट्रेलर में देखते हैं फिल्म का सारा रसार लगभग उतना ही है। हम इस उम्मीद में जाते हैं कि ट्रेलर में कुछ एक्स्ट्रा रिवील किया जाएगा। फिल्म मेकर ने कुछ एक्स्ट्रा जरूर बचा कर रखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक और कमी लगती है कि क्लाइमेक्स उतना दमदार नहीं बन पाया जितना वो हो सकता था। सब कुछ बहुत जल्दी और कन्वेंशनली ख़त्म हो गया। आप किसी ग्रैंड शो का इंतज़ार की उम्मीद लगाए थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर, बावजूद इन कमियों के चुप देखी जाने वाली फिल्म है एक नए आइडिया, तेज़ रफ्तार स्क्रीन प्ले, दुलकर सलमान की बेहतरीन परफॉर्मेंस, और हमें ये बताने के लिए कि फिल्म सवारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, दोनों के नज़रिए से, दर्शक के नज़रिए से और फिल्म मेकर्स के नज़रिए से। आज जो बॉलीवुड में बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से ये फिल्म बॉलीवुड को बचाने का काम करती है। सो इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म, प्लीज़ गो फॉर इट।